अगर आप सिर्फ किचन में रहोगे तो फिर नहीं चमकोगे ना, आपको उसके अलावा भी अपना ओपिनियन जाहिर करना पड़ेगा. कम्प्लीटली प्लेइंग हिज स्प्लिट्सविला गेम इनसाइड, विच इज़ हिलेरियस टू वॉच. हाँ, इस बार कॉमनर्स का मौका नहीं मिला, बट आई थिंक इट्स फेयर बिकॉज एंड ट्रैवलिंग अ लॉट, विच आई लव. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका. मेरे साथ हैं ईश्वर और आपसे ही डायरेक्ट बात करते हैं. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो सबसे पहले ये बताएं कि आप बहुत अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. थैंक यू सो मच. ये बताएं कि क्या कुछ खास इवेंट है आज यहाँ पर आप मौजूद हैं? हाँ, मैं फिटसअप के इवेंट के लिए आई हूँ और हम फुकेट जाने वाले हैं. ये इवेंट उसी के लिए है और हम वेरोमोडा स्टोर में है, बैंड्रा में. एंड मैं एक्चुअली वेरोमोडा पहन के यहाँ पर खड़ी हूँ बिकॉज द होल थिंग इज़ कि हम इस इवेंट के लिए सिर्फ वेरोमोडा के कपड़े पहनने वाले हैं. एंड इट्स लाइक अ यू नो कोलैबोरेशन विथ फिटसअप एंड वेरोमोडा एंड going there and chilling and having fun and doing fashion shoots. So it's all about that and really looking forward to it. आपके फैंस जो हैं जानना चाहते हैं कि इस समय आप क्या कुछ खास कर रहे हैं टीवी की और मैं अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात करूँ. वेल, टीवी में तो फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बट आई एम डूइंग थिएटर. मैं दो तीन प्लेस कर रही हूँ जो मेरे चलते रहते हैं शोज. एंड आई एम श्योर पीपल हु आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, दे ऑलरेडी नो अबाउट इट बिकॉज आई कीप पोस्टिंग अबाउट माई प्ले. And it's doing really well and I'm very happy that I'm doing that. And I keep doing campaigns on Instagram. So right now I'm only doing that. And traveling a lot, which I love. So filhaal main yahi kar rahi hu. But definitely koi acha offer aata hai TV se, to I will get back. Big Boss ke ghar mein jaane ke baad bhi aapko bahut badi pehchan mili. Bahar nikalne ke baad aapka bhi naam hua. Big Boss 13, aap follow kar rahi hain, dekhti hain? Bilkul follow kar rahi hu because after a long time sirf celebrities ka show hai. So definitely following it and liking it a lot. काफ़ी एंड द होल कॉन्सेप्ट जो नया चेंज हुआ है कि चार हफ्ते में फिनाले होगा एंड यू नो सिर्फ छः लोग आगे जाएंगे एंड बाकी के और लोग आएंगे. सो आई थिंक दैट होल थिंग इज़ रियली वर्किंग एंड इट्स मेकिंग पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी वेरी सून. सो दैट्स गुड. कॉमनर्स को मौका नहीं मिला? हाँ, इस बार कॉमनर्स का मौका नहीं मिला, बट आई थिंक इट्स फेयर बिकॉज दे हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दैट फॉर 2-3 years एंड चला नहीं चला कभी. सो यू नो आई थिंक इट्स ओके. We needed just one celebrity thing. अच्छा, ये बताएं कि काफ़ी लोग हैं सेलिब्रिटी, काफ़ी आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके पसंदीदा लोग कौन हैं? इन द हाउस राइट नाउ, वेल आरती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो अंदर है, सो आई एम डेफिनेटली सपोर्टिंग हर. देन आई रियली लाइक शहनाज बिकॉज शी इज फन जो है अंदर. माहिरा इज नाइस, वेरी प्रिटी. सो ऐसे हैं. पारस इज कम्प्लीटली प्लेइंग हिज स्प्लिट्सविला गेम इनसाइड, विच इज़ हिलेरियस टू वॉच. So yeah, I mean it's got its moments of fights and fun. So it's interesting. काफ़ी चेहरे आपने बाहर देखे होंगे जो अलग हैं और बिग बॉस के घर में जाने के बाद अलग हो चुके हैं, यानी बदलाव, नौटंकी, बनावटी की बात कर रहा हूँ. आपको लगता है ऐसा कोई चेहरा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो बिकॉज जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो काफ़ी रियल लग रहे हैं. सो आई थिंक दे लुकिंग फाइन इनसाइड, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है. अच्छा, किचन में जो रहता है वो बहुत चमकता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप सिर्फ किचन में रहोगे तो फिर नहीं चमकोगे ना, आपको उसके अलावा भी अपना ओपिनियन जाहिर करना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा, टास्क अच्छे से करने पड़ेंगे. इट्स नॉट ओनली अबाउट द किचन. अगर आपसे एक बार कहा जाए एक बदलाव आप देखना चाहें बिग बॉस में, तो क्या कुछ देखना चाहेंगे? आई थिंक मैं यही बदलाव देखना चाहती थी अबाउट नो कॉमनर्स और मैंने देख लिया. परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए.